असलम मेमोरियल क्लब की ओर से तेलोडी में एक जलसे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इस्लाम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़े बड़े आलमाए किराम शरीक हुए थे, जिनमें प्रमुख रूप से मौलाना खुर्शीद साहब, कासमी मुक्ति गुलजार साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, मौलाना अब्दुल अरसद, हाफिज फैयाज, मोहम्मद समीम, मोहम्मद इकराम, अब्दुल्ला ताज हसन एवं दीनी इस्लाम के बड़े बड़े जानकार हाफिज मौजूद थे। इस बाबत क्लब के अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी एवं सचिव एजाज अंसारी ने कहा कि जब भी समाज की भलाई की बात होती है तो क्लब हमेशा तैयार रहती है। बीते कोरोना काल में भी गरीब और असहायों की मदद में क्लब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार दीनी प्रोग्राम के माध्यम से इस्लाम की बारीकियों को बताया जा रहा है। कार्यक्रम में मौलानाओं ने कहा कि इस्लाम भाईचारे की मिसाल है, आपस में मेल मोहब्बत रखने का प्रतीक है। इन्होंने कहा कि जनवरी के पहले दिन हमारे नौजवान शराब आदि ना जाने किन किन तरह की खुराफात से मुबतला हो जाते हैं, जिससे समाज के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मौलानाओं ने आगे बताते हुए कहा कि इन सब चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, तभी समाज में भाईचारगी बनी रह पाएगी। यह इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तेलोडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शब्बीर आलम, मोहम्मद मेहताब, गुलजार, आमिर, अनवर, मुश्ताक एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज मोरखा 31 दिसंबर, ये हमारे नौजवानों ने और पूरे तेलोडी के नौजवानों ने ये 2020 के जाने और 2021 के आने की खुशी में ये प्रोग्राम रचाया है। और इससे ये हम लोगों को इसमें जो तारीख है ये और इसमें जो सबक दिया जा रहा है, ये भाईचारगी का तारीख दे रहा है कि सारे लोग मिलकर इस मुल्क में रहें और तमाम फसादात से और तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाएं और अपने नबी के नक्शे कदम पर चलें। यही हमारे नबी ने हमें सबक दिया है और हमारे नबी के सबक पर हम तमाम को अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से और तमाम मुल्क के हमारे जितने दूसरे भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तमाम को भाईचारगी और एक होकर इस हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और इस हिंदुस्तान के अंदर सारे लोगों को ये तारीख और ये फैसला है कि सारे अपने मजहब पर खुल कर जिए, किसी को कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इस्लाम मेमोरियल क्लब के हवाले से यहाँ के नौजवानों ने एक इस्लाह माशरा वसीरत नबी का प्रोग्राम मुनाकिद किया। हमारे नौजवानों का मकसद इस सिलसिले में नेक है। हमारे नौजवान माशाल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान भाई आज के दिन, क्योंकि आज के बाद नए साल का आगाज़ हो रहा है और ये नए और पुराने के बीच में जो संगम है, उसमें हमारे नौजवान बहुत सारी गलतियों के मुर्तकिब हो जाते हैं और इस रात को गलत तरीके से वो इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने वक्त को ज़ाय करते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि अपने भाइयों को हम जोड़ें, दीनी भाइयों को, ताकि ऐसे मौके पर प्रोग्राम में शरीक होकर मौक्कर उलमा, मुल्क के बहुत बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अरशद साहब, इसी तरीके से और दीगर उलमा मकामी और बैरूनी तशरीफ़ लाएँ, उनके बयानात को सुनें और अपने दिल के अंदर एक दीनी जज्बा पैदा करके आइंदा आने वाले दिन को अच्छे तरीके से, पूरे साल को अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करें और अपने वक्त को सही कामों में इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में यहाँ जलसे के अंदर, प्रोग्राम के अंदर बातें हुई और माशाल्लाह हमारे नौजवान, हमारे इलाके के लोगों ने इसका बड़ा साथ दिया, तआवुन किया और सारे लोग जमकर प्रोग्राम में शरीक रहे और प्रोग्राम को कामयाब बनाया।